दफ्तर नहीं मोर्चे पर मिलिए। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज करने का यही तरीका है। मुख्यमंत्री योगी दफ्तर में बैठकर मिलने वाले अधिकारियों को फाइल लेकर आने और फिर निर्देश देने की बजाय सबसे पहले खुद हालात का जायजा लेने के लिए खुद मोर्चे पर पहुंचते हैं। एक रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुछ ऐसी खासियत रही हैं जो उन्हें दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों और लीडरों से अलग फेरिस्त में रखती हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद का समय हो या पहले का, सीएम योगी हर मोर्चे पर खुद पहुंचकर समस्याओं से अवगत होने के साथ साथ उनके समाधान के लिए दिशा निर्देश जारी करते हैं। कोरोना काल में सीएम योगी की तत्परता और प्रतिबद्धता उसकी एक बड़ी नजीर है। हर दिन टीम 11 के अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा, मंत्रियों की टीम 11 के साथ शासकीय फैसलों के लिए बैठक के साथ अलग अलग जगहों पर खुद पहुंचकर सीएम योगी हालात का जायजा लेते हैं। 28 मई को सीएम योगी बिना किसी पूर्व सूचना के लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी वार्ड से लेकर अन्य सभी वार्डों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अस्पताल के अधिकारियों और डॉक्टर्स को सतर्कता बरतने के निर्देश के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों को बचाव के लिए सचेत किया। वहां पर आम मरीजों से बातचीत कर उनका हाल भी जाना। सिर्फ अस्पताल ही नहीं, हर मोर्चे पर सीएम योगी की यही तत्परता दिखाई देती है। विभाग की कार्यशैली पर सीएम की पैनी निगाह रहती है। जहां स्थिति तसल्ली बख्श नहीं होती, वहां जिम्मेदारों को फटकार भी लगाते हैं। कहा जा रहा है कि इस दौरान टॉप ब्यूरोक्रेट्स के काम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संतुष्ट नहीं है। कुछ मंत्रियों के कामकाज से भी वो खुश नहीं है। लगातार दो दिन की बैठक में सीएम योगी ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, जो तय होता है वो जमीन पर नहीं दिखता है, जमीन पर 100% काम नहीं हो रहा, और आईपीएस अधिकारियों के तबादले भी इसी का नतीजा समझा जा रहा है। यही वजह है कि अब अधिकारी और मंत्री पहले के मुकाबले ज्यादा सतर्क दिखाई दे रहे हैं। ताजा उदाहरण मेरठ जोन के नए एडीजी राजीव सबरवाल का है, जो लखनऊ से देर रात मेरठ रवाना होकर सीधे दफ्तर पहुंचते हैं। दफ्तर पहुंचकर उन्होंने चार्ज लिया और सुबह सुबह ड्यूटी पर दिखे। कल भी सीएम योगी ने स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे थे। जाहिर है सीएम योगी की ये कोशिशें ही धरातल पर अच्छा नतीजा ला रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।